सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। हम इस समय है बांद्रा के, मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर, जहां अभी कुछ मिनटों पहले हजारों में भीड़ इकट्ठी हो गई थी और अब पुलिस ने आके इसको डिस्पर्स कर दिया है क्राउड को। पर जानते हैं कि क्या मुद्दा हुआ, क्यों इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए? भैया आप चल के यहाँ पे आए थे स्टेशन पे? स्टेशन के लिए आए थे वो रात को 2 बजे से मैं यहाँ पे हूँ बिहार जाने के लिए। बिहार का गाड़ी एक चला है और अभी बोले थे नंबर लगने के लिए कि बिहार का गाड़ी चलेगा, फिर वहाँ से भगा दिए कि बिहार का गाड़ी आ जाएगा। किसने बताया कि बिहार का गाड़ी चलेगा? टिकट है आपके पास? मैसेज नहीं आ रहा ना, 15 दिन से ऊपर हो गया, फिर फार्म जमा किया हुआ निर्मल नगर थाने में, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। सुबह जो गाड़ी खुला उसमें विदाउट मैसेज गया है आदमी लोग, बिना टिकट के गया है, विदाउट मैसेज, बिना मैसेज गया है। जिसके पास मैसेज नहीं है वो ऐसे ही साथ में एक गाड़ी गया है, दूसरे गाड़ी में बोला 3 बजे तक खुलेगा, अभी तक खुला ही नहीं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ मुंबई में कहाँ रहते हैं? मुंबई से यहीं बांद्रा में, नाले के उस पास। अच्छा, तो कब आप बता रहे रात को 2 बजे से चल के यहाँ पे आए थे? 2 बजे से यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं। अच्छा, क्या हो रहा था 2 बजे से यहाँ पे? क्या लाइन लगाया था आपने? नहीं, कुछ आदमी इधर उधर बैठे हुए थे, कुछ आदमी उधर लाइन लगेगा तो फिर अपना लाइन लग के फिर चलेगा। अच्छा, नंबर ही नहीं आया, भगदड़ मच गया। नीतीश कुमार गाड़ी बंद करवा दे, नहीं दम है तो बोल दे कि नहीं लाऊंगा मैं, यहाँ मर जाएगा पब्लिक। ऐसे सुबह में आप आते देखते कितना पब्लिक मर रहा था, गर्मी से गैस से बेहोश हो रहा था, बोलता है कि ये है वो है ये कर रहा हूँ, फ्री के खाना दे रहा, कुछ भी खाना दे। मेरे साथ एक हफ्ते सिर्फ रह के दिखा है कोई भी नेता हो कि कैसा खाना खाता हूँ मैं। अभी खिचड़ी खा के दिन रात बीमार और पड़ गया, एकदम कमजोर हो गया मैडम। आप भी रात से आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ मैडम, आँख से नहीं पता चला, देखिए आँख लाल है, नींद नहीं पूरा हुआ है, दूर से आता हूँ मैडम, इधर इधर मार के भगाते, किधर जाऊंगा, उतना पैसे है। फॉर्म भरा था? हाँ मैडम, फॉर्म भरे हुए 15 दिन हो गए, हमारा अभी तक मैसेज नहीं आया है। तो कहाँ, कौन से कोई थाने में फॉर्म? निर्मल नगर चौकी में डाला था मैडम। अ श्रमिक ट्रेन टू पूर्णिया बिहार लेफ्ट फ्रॉम द बांद्रा स्टेशन एट 12 इन द नून टुडे। माइग्रेंट वर्कर्स फ्लॉक्ड होपिंग दैट दे वुड गेट अ टिकट बैक होम और फाइंड अनदर ट्रेन दैट माइट टेक देम होम। But to their dismay, the Mumbai police allegedly lathi charged at thousands of workers present. हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पे लाइन में थे, चौकी से कॉल आता भी है तो हम लोग को नहीं चांस मिलता है और पैसे ले ले करके चढ़ाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, तकरीबन 2-3 दिन से ऐसा कर रहे हैं हम लोग के साथ, और बहुत बुरे बुरे मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, ऐसा नहीं मारा जाता। हमारे साथ वाले कभी नहीं है यहाँ पे, उसको तो मार करके यहाँ पे काला कर दिया एकदम। देखिए देखिए अभी अभी देखिए मैम, अभी देखिए अभी पुलिस वाले लोग, देखिए अभी पुलिस वाले ऐसा मारेंगे पूरा हाथ बात, देखिए अभी लाल हो गया, अभी तुरंत मारे क्योंकि हमारे पास मैसेज वगैरह सब है, हमारे पास मैसेज वगैरह सब है, हमें जब कॉल आया तो हमें कॉल जाने नहीं दिया, आंधोनिक मार रहा है। While the migrant workers complained of police brutality and bribery to obtain tickets, the DCP of the zone denied the allegations. सर यहाँ पे ये सिचुएशन ख़राब कब हुई, क्योंकि लोग तो कल रात से यहाँ पे जमा है? नहीं नहीं, यहाँ पे 12 बजे आ बिहार का ट्रेन था और एक मिसकम्युनिकेशन मानो या रूमर मानो, तो ये रूमर के वजह से लोगों को लगा कि शाम को भी ट्रेन है, उसके वजह से कुछ माइग्रेंट लेबर्स अलग अलग जगह से इधर आए थे, दादर, माहिम, सायन, तो चेंबूर, अलग अलग जगह पे, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि ट्रेन नहीं है, तो रूमर के वजह से लोग जमा थे, हमने उनको समझाया और वो वहाँ से निकल गए। सर अभी भी लाठी कई जगह चलते हुए देख रहे हैं? We have not used any force on anybody. You have not used any force. It is only show of force. We have not used any force. You have not used any force. Also, sir, when we talked to the laborers, we saw that some of them are, you know, making an allegation that जो लोग खड़े थे उनको उन्होंने ब्राइब दिया टोकन लेने के लिए, उसको पैसे से अंदर देने जा रहे हैं। Mumbai police is trying its best to send all the migrant laborers to their home, and we have no such allegations are baseless, and I'm very confident about this because Mumbai police is working day and night to facilitate the movement of migrant laborers. And I know there is a little bit of desperation to go back to their home, and we are trying our best to facilitate and arrange more trains.
So in the coming days, I think a lot of people will get their the tickets or the train arrangement, and they will go back home safely. And we are trying our best to ensure that they reach their home safely. In Bandra, the situation got really bad in the morning, and that is when the police say that they had to use force. Although it was only a display of force, they say, not a use of force. Thousands of migrant laborers had gathered here thinking that there's a train which will take them back home to Bihar. Now the Maharashtra government has made these trains free. These people have been waiting for the trains for the last 15 days, and as we talked to some of them, they told us that they're getting restless, they are running out of ration, money, and they have no means to survive in the large city of Mumbai. And while the trains keep going to other states from these states housing migrants, this problem of overcrowding and people getting restless is something that we've been seeing for quite some time now. In Bandra, this is Sonia Agrawal with Swagata Yadavar for The Print.